प्रबंधन विधेयक, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक और प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री ने इंडिया एक्शन प्लान 2020 का किया जिक्र, कहा सरकार की योजनाओं से समाज में आए बदलाव से बढ़ा आत्मविश्वास। केंद्र सरकार ने प्रदूषण से निपटने उद्योगों के लिए तय किए नए मानक, केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराने कुसुम योजना शुरू। और आयकर विभाग ने टैक्स जमा नहीं करने वालों को 31 मार्च तक टैक्स जमा करने का दिया मौका, प्रदेश के 264 करदाता हाई रिस्क फैक्टर सूची में शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। इसमें किसानों के हित और कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग का प्रावधान है। नई दिल्ली में कल सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह विधेयक संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश किया जाएगा, इससे देश भर में जैविक कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के मुताबिक किसानों को कीटनाशक के संबंध में सभी जानकारी विक्रेता द्वारा दी जाएगी, साथ ही जैविक कीटनाशकों के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मैनेजमेंट बिल 2020 लाने का फैसला किया है और इसमें मूल मुद्दा है कि किसान को सुरक्षित एवं प्रभावी कीटनाशक मिले, दूसरा उसमें है कि नकली और अनधिकृत ना मिले, उसकी जबरदस्त व्यवस्था इस कानून में है। श्री जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020 में परिवर्तन को भी मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का उद्देश्य प्रत्यक्ष कर विवाद से संबंधित मुकदमों में कमी लाना है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष कर के मामले में विवाद से विश्वास विधेयक में अदालतों में लंबित मामलों को शामिल करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि 9 लाख करोड़ रुपए के कर से संबंधित मामले विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं। इतने बड़े हैं कि 9 लाख करोड़ रुपए की रकम उसमें विवादित है और इसलिए बजट में विवाद से विश्वास ये नया स्कीम लाया जिसका देश भर में स्वागत हुआ, इसका एक विस्तार दायरा बढ़ाया है। अब जो DRT में केसेस है वो भी आ सकेंगे। श्री जावड़ेकर ने आशा व्यक्त की कि लोग विवाद से विश्वास योजना का लाभ उठाएंगे और इस वर्ष 31 मार्च से पहले कर राशि जमा कर देंगे, अन्यथा चालू वित्त वर्ष के बाद 10% अधिक राशि ली जाएगी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक को भी अपनी मंजूरी दे दी है। यह विधेयक देश के 12 बड़े बंदरगाहों के प्रशासन के लिए 1963 में बने कानून का स्थान लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में हो रहे बदलावों से समाज में आत्मविश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को 50 खरब डॉलर का बनाना है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि यह लक्ष्य कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विनिर्माण और निर्यात क्षेत्र की वृद्धि दर तेज करनी होगी और सरकार ने इसके लिए कई फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सदियों पुरानी समस्याओं से निकलकर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश के युवाओं में यह भरोसा है कि वे भी रोजगार देने वाले बन सकते हैं। 8 महीने की सरकार ने फैसलों की जो सेंचुरी बनाई है वो अभूतपूर्व है और ये सिर्फ सैंपल है और इस सैंपल से ही आपको लग गया होगा कि द एक्चुअल एक्शन बिगिंस हियर। अब भारत समय नहीं गवाएगा, अब भारत तेजी से चलेगा भी और नए आत्मविश्वास के साथ आगे भी बढ़ेगा। देश में हो रहे इन परिवर्तनों ने समाज के हर स्तर पर नई ऊर्जा का संचार किया है, उसे आत्मविश्वास से भर दिया है।
आज देश के गरीब में ये आत्मविश्वास आ रहा है कि वो अपना जीवन स्तर सुधार सकता है, अपनी गरीबी दूर कर सकता है। आज देश के युवा में ये विश्वास आ रहा है कि वो जॉब क्रिएटर बन सकता है, अपने दम पर नए चैलेंजेस को पार कर सकता है। प्रधानमंत्री ने इंडिया एक्शन प्लान 2020 का उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए वन और पर्यावरण मंत्रालय ने नए मानक तय किए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उद्योगों को इन मानकों और नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो भी स्टैंडर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट का, उसको फॉलो करना होगा। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने नया स्टैंडर्ड्स लाया है, उसको फॉलो करने के लिए टाइमलाइन है, उसको फॉलो करना होगा, इसलिए एफजीडी लगाना। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने, सोलर पंप के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। इसके लिए कुसुम योजना शुरू की गई है। इस योजना में केंद्र और राज्य का शेयर होगा। सिर्फ 10% खर्च किसानों के हिस्से आएगा। कुसुम योजना लाया है जिसके अंतर्गत ये सोलर पंप के लिए जो भी खर्च होगा उसका 30% हम देंगे। हमें राज्य सरकार ने कहा कि 30% वो दें, 30% वो किसान के लोन को हम लोन दिलवा देंगे, 10% किसान को लगेगा। और लोन का जो भुगतान है वो जो सरप्लस पावर जनरेट होगा वो हम खरीद लेंगे, उससे उसको भुगतान हो जाएगा। बहुत सारे राज्य सरकार तो हमारी योजना को लेकर के उसमें जो बाकी 70% है वो खुद दे रहा है। गौरतलब है कि श्री सिंह आज रायपुर में 9वें ONM इंडियन पावर सेक्शन 2020 में शामिल होने आए हुए हैं। एनटीपीसी के इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट रिपोर्ट का विमोचन किया और एनटीपीसी पावर स्टेशनों को उच्च प्रदर्शन के लिए बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया। इस सम्मेलन में पावर प्लांट की सुरक्षा, पर्यावरण प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र में तकनीकी प्रगति पर सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। सम्मेलन के दौरान आयोजित इन सत्रों में भारत सहित अमेरिका, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और यूनाइटेड किंगडम के 750 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। आयकर विभाग ने टैक्स जमा नहीं करने वाले करदाताओं को 31 मार्च तक टैक्स जमा करने का मौका दिया है। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश AK चौहान ने रायपुर में पत्रकार वार्ता में कहा कि करदाता मार्च तक हर स्थिति में कर जमा कर दें। उन्होंने कहा कि अग्रिम कर भी जमा किया जा सकता है। लोगों को अपील करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अपने सेल्फ में टैक्स अभी तक नहीं जमा कराए हैं वो कृपया करके 31 मार्च से पहले अवश्य जमा कराएं। उसी तरीके से जितने भी मेरे ऐसे करदाता हैं जिन्होंने वित्तीय वर्ष 18-19 में अपनी कर विवरणी जमा कराई थी और इस वर्ष अभी तक नहीं कराई है, वो आंकड़े भी हमारे पास हैं। कृपया करके वो भी अपने रिटर्न्स इस वर्ष 31 मार्च से पहले जमा कराएं। और आखिर में ऐसे हमारे करदाता जो हर साल 10.5 साल सेल्फ में टैक्स जमा कराते हैं उन लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है और उन लोगों से खासकर आग्रह है कि इस बार अपना जो एडवांस टैक्स है, लास्ट इंस्टॉलमेंट जो मार्च में दिया जाएगा, कृपया करके अपना एडवांस टैक्स सही तरीके से जमा कराएं। श्री चौहान ने कहा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सम्मिलित रूप से 962 करदाता हाई रिस्क फैक्टर में हैं। इनमें से 264 छत्तीसगढ़ के हैं। उन्होंने कहा कि सभी तय सीमा में कर जमा करा दें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जो हाई रिस्क फैक्टर्स में आते हैं और जिन्होंने अभी तक अपनी रिटर्न जमा नहीं कराई है। ऐसे टोटल जो हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो केसेस हैं, असेसीज हैं, वो 962 हैं और उसमें से 264 असेसीज ऐसे हैं जो कि छत्तीसगढ़ को बिलोंग करते हैं, जो कि हाई रिस्क में आए हैं। और उन हाई रिस्क में जब मैं आपको बात कर रहा हूं तो वो उनकी 360 प्रोफाइलिंग हम लोगों ने की है और ये पाया गया है कि उन्होंने ऐसे बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स किए हैं जहाँ पर उनका मिसमैच है और उन्होंने अभी तक रिटर्न जमा कराई हैं। उनको खासकर मेरा
आदेश है कि आप लोग अपनी रिटर्न्स अवश्य जमा कराएं, अन्यथा विभाग कार्रवाई अवश्य करेगा। श्री चौहान ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान छत्तीसगढ़ में 5,756 करोड़ रुपए की कर वसूली का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से 8 फरवरी तक 1,717 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यह निर्धारित लक्ष्य का मात्र 38.49% है। वहीं बकाया 61.51% टैक्स निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए रणनीति तैयार की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई के लिए आज रायपुर में ओपन हियरिंग एंड कैंप सिटिंग का आयोजन किया। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एचएल दत्तू ने इसका उद्घाटन किया। ओपन हियरिंग में न्यायमूर्ति दत्तू और आयोग के सदस्यों ज्योतिका कालरा और डॉ डी एम मूले की अध्यक्षता वाली 3 एकल पीठों द्वारा 54 मामलों की सुनवाई की गई। इसके बाद कैंप सिटिंग में 7 मामलों में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद आयोग के सदस्यों ने प्रदेश में मानव अधिकारों की स्थितियों और संबंधित मुद्दों का पता लगाने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ एक बैठक बुलाई है। गौरतलब है कि आयोग ने देश के विभिन्न राज्यों में ओपन हियरिंग एंड कैंप सिटिंग का आयोजन किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस महीने की 15 तारीख से 29 तारीख तक फास्टैग की 100 रुपए की लागत नहीं लेने की घोषणा की है। प्राधिकरण के किसी भी अधिकृत केंद्र से वाहन के वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र दिखाने पर फास्टैग निःशुल्क लिया जा सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सभी शुल्क प्लाजा, सड़क परिवहन कार्यालय और जनसुविधा केंद्र तथा परिवहन केंद्रों और पेट्रोल पंपों पर फास्टैग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा माई फास्टैग ऐप के जरिए या वेबसाइट www.hmca.com अथवा हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करके यह सुविधा ली जा सकती है। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के सहयोग से छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड ने हस्तनिर्मित उत्पादों और कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भिलाई में 10 दिवसीय क्राफ्ट मेले का आयोजन किया है। भिलाई के सिविक सेंटर में ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कल इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्राफ्ट बाजार में आने वाले लोग हस्तशिल्प की समृद्ध विरासत और उसकी विविधताओं से परिचित होंगे। उन्होंने कहा कि इस क्राफ्ट बाजारों में लोगों को अपनी रुचि के अनुसार हस्तशिल्प और हथकरघा की वस्तुओं को खरीदने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए दुर्ग के विधायक अरुण वोरा ने कहा कि इससे हस्तकला को बढ़ावा मिलने के साथ साथ हस्तशिल्पकारों का रोजगार भी सुनिश्चित होता है, साथ ही उन्हें बाजार भी मिलता है। गौरतलब है कि यहां देश भर के हस्तशिल्पों का बाजार लगाया गया है, जिसमें अलग अलग प्रांत की पारंपरिक कलात्मक वस्तुओं का अनूठा संग्रह देखने को मिल रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक और प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री ने इंडिया एक्शन प्लान 2020 का किया जिक्र, कहा सरकार की योजनाओं से समाज में आए बदलाव से बढ़ा आत्मविश्वास। केंद्र सरकार ने प्रदूषण से निपटने उद्योगों के लिए तय किए नए मानक, केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने कहा किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराने कुसुम योजना शुरू। और आयकर विभाग ने टैक्स जमा नहीं करने वालों को 31 मार्च तक टैक्स जमा करने का दिया मौका, प्रदेश के 264 करदाता हाई रिस्क फैक्टर सूची में शामिल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।